कबाड़ी और चोरों की जोड़ी है कमाल, धंधे में बड़ा है माल। कानपुर के थाना चकेरी व जाजमऊ क्षेत्र में हर 100 मीटर की दूरी पर एक कबाड़ की दुकान मिलना लाजमी है। कबाड़ का काम ऐसा है कि कम लागत में मुनाफा अधिक। ज्यादातर देखने में यह आता है कि कबाड़ के गोदाम व दुकान हाईवे किनारे या रिहायशी इलाकों को जोड़ने वाली मुख्य सड़क पर होती है। इसके पीछे की भी एक वजह है। अधिकांश मामलों में देखने को यह मिलता है कि किसी फैक्ट्री, रेलवे या यूं कहें कि जिस जगह पर लोहे या अन्य धातु का इस्तेमाल अधिक होता है, वहां से चोरी हुआ लोहा या अन्य धातु का सामान ज्यादातर कबाड़ के गोदाम से ही बरामद होता है। अमूमन चोरी की गाड़ी की बैटरी, पुरानी मोटरसाइकिल, लोहे के उपकरण, बिजली का तार, गैस सिलेंडर सहित अन्य सामानों की बिक्री औने पौने दामों में चोर आसानी से कबाड़ी की दुकानों में बेच लेते हैं। इसका लाभ ज्यादातर कबाड़ी को ही मिलता है। कबाड़ के कारोबार का धंधा ऐसा है कि जो चोरों का हौसला बढ़ाए हुए है। चोर रातों रात चोरी का माल कबाड़ी तक पहुंचाते हैं और रात में ही पेमेंट भी हो जाता है। कबाड़ी भी बड़े सातिराना अंदाज में चोरी के माल को ठिकाने लगा देते हैं। बगैर अनुमति के चल रही थाना चकेरी व जाजमऊ क्षेत्र में कबाड़ की दुकानों पर सरकारी तंत्र का कोई नियंत्रण नहीं है। क्षेत्र में 3 दर्जन से ज्यादा कबाड़ की दुकानें हैं जो लाखों रुपए कमा रही हैं। इन दुकानों में कबाड़ खरीद बिक्री की ना तो रसीद होती और ना ही कोई रिकॉर्ड। चोर कहीं से भी सामान चोरी कर लाते हैं और दुकान में खपा देते हैं। इससे चोरों का हौसला बढ़ता जाता है। आज के समय में अधिकतर देखने में यह आता है कि हर 10 में से 4 व्यक्ति स्क्रैप के कारोबार में ज्यादा रुचि रख रहा है। इस कारोबार से जुड़े कुछ लोगों का कहना है कि कम लागत और मुनाफा अधिक होने के कारण कुछ लोग अवैध तरीके से कबाड़ की दुकानें चला रहे हैं। इनका पूरा गिरोह काम करता है। चोरी किया हुआ माल तत्काल खपा दिया जाता है। इसी कारण चोर बेलगाम होते दिख रहे हैं। क्षेत्र में चोरी की वारदातें रोकने का एकमात्र उपाय यह है कि पहले क्षेत्र में अवैध तरह से संचालित होने वाले कबाड़ गोदामों दुकानों पर लगाम कसी जाए, जिससे कि चोरी की वारदातें अपने आप ही कम होने लगेंगी। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल RTI News 24 और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आप तक पहुंचा सके हम सबसे पहले।